तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक पावरफुल सम्मलसियर वाटर पंप जिसे दोस्तों आप आसानी से और कम से कम खर्चे पर घर पर बना सकते हैं अभी दोस्तों आपने वीडियो की छोटी सी इंट्रो में देख लिया होगा कि इसे मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है जैसा कि जो हम किसान भाई खेतों में सम्बल सियर वाटर पंप उपयोग करते हैं उसी तरह से मैंने इसका लुक रखा हुआ है और दोस्तों इसे मैंने यू पाइप से तैयार किया हुआ है और दोस्तों जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हमें डीसी वाटर पंप की जरूरत पड़ती है तो इस तरह के जो सम्बल सियर वाटर पंप है इन्हें हम मार्केट से खरीद लेते हैं या मार्केट में नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन खरीद लेते हैं ऑनलाइन थोड़ी से महंगी पड़ते हैं लेकिन जब हम इन्हें खरीदते हैं तो हमें बताया जाता है या इन पर लिखा रहता है कि हंड्रेड परसेंट वाटर प्रूफ है लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये एक परसेंट भी वाटर प्रूफ नहीं रहते हैं मैंने इनका उपयोग किया हुआ है ये दस पंद्रह दिन तक चलते हैं इसके बाद में ये ख़राब हो जाते हैं जिससे कि इन्हें हमें अलग करना पड़ता है और दोस्तों जो हम आज संबल सियर वाटर पम्प बनाएंगे वो सालों साल तक चलेगा और हंड्रेड परसेंट वाटर प्रूफ रहेगा तो जान लेते हैं दोस्तों कि इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है और इसे हम किस तरीके से बनाएंगे तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को तो दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इंची ओ पाइप का टुकड़ा लिया है और इसमें से हम 12 सेंटीमीटर पर मार्क लगा करके एक टुकड़ा कट कर लेंगे ठीक है तो मैं 12 सेंटीमीटर पर यहाँ पर मार्क लगा रहा हूँ और दोस्तों इसे सीधा काटने के लिए मैंने यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा लिया हुआ है जिसे हम कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लपेट करके राउंड में मार्किंग लगा लेंगे ठीक है तो दोस्तों मैंने इस पाइप के ऊपर राउंड में कुछ इस तरह ऐसी मार्किंग लगा ली है अब इसे मैं है सबलेट से जल्दी से काट लेता हूँ तो दोस्तों मैंने यू पाइप के टुकड़े को कट कर लिया है अब इसमें हम कोई भी साइड से साढ़े चार सेंटीमीटर पर एक मार्क लगाएंगे और इसी मार्के से नीचे की साइड में दो सेंटीमीटर पर एक मार्क लगा लेंगे ठीक है और यहाँ पर दोस्तों जो मैंने मार्किंग लगाई है उन्हें राउंड में हम मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने कागज़ का टुकड़ा लिया हुआ है और कुछ इस तरीके से लपेट करके जो हमने मार्क लगाए थी उन्हीं के ऊपर से हम रख करके यहाँ पर राउंड में मार्किंग लगा लेंगे ठीक है अब इसके बाद में दोस्तों मैं इस पाइप के ऊपर की साइड में कुछ इस तरह से चार बराबर बराबर दूरी पर मार्क लगा रहा हूं और इसी के हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पर जो हमने राउंड में दो मार्किंग लगाई हुई है इसी के बीचों बीच चार बराबर बराबर दूरी पर मार्क लगा लेंगे ठीक है अब इसके बाद में दोस्तों जो हमने ये चारों मार्किंग लगाई है थोड़ा सा चौड़ा करेंगे तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक एम एम या दो एम एम की दूरी के हिसाब से मैं अंदाज से ही यहाँ पर इसे चौड़ा कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मार्किंग लगा ली है यहाँ पर दोस्तों जो ये गैप वाला हिस्सा है जहाँ पर मैं क्रॉस का निशान डाल रहा हूँ इसे मैं जल्दी से कट कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं काटने के लिए हेक्सा ब्लेड और रेडियम कटर का उपयोग कर रहा हूँ ठीक है तो मैं इसे जल्दी से कट कर देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे कट कर दिया है अब इसके बाद में दोस्तों मैंने दो यू पाइप के टुकड़ों को गैस पर गर्म करके कुछ इस तरह से ये सीटें बना ली हैं और मैंने यहाँ पर एक इंची पाइप का टुकड़ा लिया हुआ है जिसे हमें सीट के ऊपर रख करके अंदर साइड से राउंड में कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सीट के ऊपर राउंड में मार्किंग लगा ली है अब मैं इसे जल्दी से कट कर लेता हूँ और इसके बाद में दोस्तों हम इसे सैन पेपर पर घिस के जो इसकी किनारे रहती है इसे सैन पेपर पर रब करके फिनिशिंग दे देंगे ठीक है तो दोस्तों मैंने तीन सीटें कट कर ली हैं अब दोस्तों हम इसका एम्पलर बनाएंगे और जो एम्पलर वाली सीट रहेगी वो इस तरीके से छोटी सी रहेगी यानी कि जब हम इसके अंदर डालेंगे तो वो इसमें कहीं पर भी टकरानी नहीं चाहिए फ्री रहनी चाहिए इस तरीके से ठीक है यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से मार्किंग लगा दी है जिससे कि जो इसका सेंटर पॉइंट रहता है वो हमें मिल जाता है तो इसके बीचों बीच हम एक छेद कर देंगे ठीक है तो इस सीट के बीचों बीच मैंने एक छेद कर दिया है अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सीट का टुकड़ा लिया है और इस पर हम एक सेंटीमीटर चौड़ाई के हिसाब से मार्क लगा करके इसे कट कर लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सीट का टुकड़ा काट लिया है और दोस्तों जो एम्पलर वाली सीट है जहाँ पर हमने ये मार्क लगाए थे उसी के माप के हिसाब से हम इस सीट पर मार्क लगा करके इसके चार टुकड़े कट कर लेंगे ठीक है तो इसे मैं जल्दी से काट लेता हूँ तो दोस्तों मैंने चार टुकड़े कट कर लिए हैं और दोस्तों जहां पर हमने ये मार्क लगी हुई है इसी के ऊपर हम सुपर ग्लू से इन चारों टुकड़ों को चिपका देंगे तो मैं जल्दी से इन्हें चिपका देता हूँ अब इसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पेन की रिफिल ली है और इसे हम कुछ इस तरीके से इसमें लगा करके नीचे से इसे कट कर देंगे तो दोस्तों जो हमारा एम्पलर है वो बन करके कंप्लीट हो गया है लेकिन दोस्तों इसे हम और मजबूती देंगे क्योंकि जो एम्पलर रहता है वो हमेशा ही पानी में रहता है तो हो सकता है कि इसकी जो पंखुड़ी है वो निकल जाए तो इसे दोस्तों मजबूती देने के लिए मैंने यहाँ पर फेवी लिया हुआ है उसमें दो तो तरीके के ट्यूब निकलते हैं दोनों में से बराबर मात्रा में पेस्ट निकाल करके अच्छे से मिक्स करके इसे चिपका देंगे इसकी जगह पर दोस्तों आप बॉन्डेटाइट या एयरल टाइट का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों जो फेवी है इसे सूखने के लिए लगभग आध घंटे से लेकर के एक घंटे तक का समय लगता है तो इसे मैं एक घंटे के लिए छोड़ देता हूँ तो दोस्तों ये एम्पलर अच्छे से सूख चुका है अब इसके बाद में दोस्तों जो बची हुई दो सीटें हैं इसमें से एक सीट के बीचों बीच हम एक छोटा सा बुस लगाएंगे इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डीसी मोटर ली है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की शॉप पर लगभग दस रुपये में आसानी से मिल जाएंगी इस मोटर के बीचों बीच जो ये छोटा सा बुस लगा हुआ है इसे हम जल्दी से निकाल लेंगे तो इसे मैं निकाल लेता हूँ तो दोस्तों मैंने मोटर में से छोटा सा बोस निकाल लिया है और इसे हम इस सीट के बीच में छेद करके इसे यहाँ पर बीच में अच्छे से चिपका देंगे तो दोस्तों मैंने सीट के बीचों बीच बुश को अच्छे से चिपका दिया है अब दोस्तों हम इस सीट को जिस साइड में हम एम्पलर लगाने वाले हैं उस साइड में यहाँ पर चिपका देंगे तो पहले इसे मैं माप लेता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों हम इस सीट को अच्छे से सुपर ग्लू से चिपका देंगे अब इसके बाद में दोस्तों मैंने एक साइकिल का स्पोक लिया हुआ है और इसे यहाँ से माप करके कट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस साइड में चूड़ी रहती है उस वाली टुकड़ी को मैंने बचा लिया है और इसे हम यहाँ पर जहाँ पर हमने पेन की रिफिल लगाई थी इसके अंदर चूड़ी वाले हिस्से को अच्छे से टाइट कस देंगे अब इसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा छेद करूँगा पानी के आउटपुट के लिए तो यहाँ पर मैं मार्किंग लगा लेता हूँ तो दोस्तों मैंने छेद कर लिया है और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं एम्पलर को घुमा रहा हूँ तो जो इसकी पंखुड़ी बिल्कुल छेद के बीचों बीच वीच वीच आ रहे हैं अगर दोस्तों ये पंखुड़ी छेद से आजू बाजू में रहेंगी तो पानी के प्रेशर कम रहेगा ठीक है तो इस बात का आप ध्यान रखना अब इसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर तीन सौ पैंसठ नंबर की एक टीसी मोटर ली है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की शॉप पर चालीस पचास रुपये में आसानी से मिल जाएगी और दोस्तों जो ये मोटर है इस पाइप में फिक्स आ जाती है और इसे दोस्तों हम डी सी थ्री वोल्ट से लेकर के ट्वेल्व वोल्ट तक की सप्लाई पर चला सकते हैं ठीक है तो दोस्तों जो लास्ट की बची हुई सीट थी इसमें मैंने मोटर का जो बस लगा हुआ है उसकी माप के हिसाब से इसमें छेद कर लिया है जिसे हम कुछ इस तरीके से इसमें लगा देंगे अब इसके बाद में दोस्तों जो दो रुपये वाला पेन आता है उसका मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है जिसे हम इस मोटर की साप्ट के साथ में यहाँ पर अच्छे से फिक्स में चिपका देंगी और इसके बाद में दोस्तों हमें से ऊपर की साइड में यहां पर लगा करके जो मोटर के साथ में हमने सीट लगाई थी इसे हम सुपर ग्लू से चिपका देंगे अब इसके बाद में दोस्तों हम पेन की साफ्ट के साथ में जो एम्पलर के साथ में हमने स्पोक की साफ़्ट बना रखी है इसे हम पेन की साफ्ट के साथ में लगा देंगे ठीक है तो इसे मैं जल्दी से लगा लेता हूँ अब इसके बाद में दोस्तों मैंने एक मार्कर पेन लिया है और इसमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया है और इसे हम यहाँ पर जो हमने ये छेद किया है इसके ऊपर लगा देंगे तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि अच्छे से बैठ नहीं रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके ऊपर सैंड पेपर को रख करके इसे रब करेंगे ठीक है तो दोस्तों इसे मैंने रब कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छेद के ऊपर बिल्कुल फिक्स आने लगा है ठीक है तो इसे हम बाद में चिपकाएंगे पहले इसकी हम वायरिंग कर लेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो बायर लिए हैं और ऊपर की साइड में मैंने एक छोटा सा छेद किया है इसके अंदर से हम वायरों को डाल करके एक गांठ लगा देंगे और इन दोनों वायरों को मोटर के टर्मिनल के साथ में सोल्ड कर देंगे ठीक है तो दोस्तों मैंने मोटर के साथ में बायरों को जोड़ दिया है अब इसके बाद में दोस्तों हम कुछ और राउंड सीटें काट लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक इंची पाइप का टुकड़ा लिया है और इस बार दोस्तों हम बाहर साइड से इस पर राउंड में मार्किंग लगाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मार्किंग लगा ली है अब मैं इसे जल्दी से काट लेता हूँ तो यहां पर दोस्तों मैंने तीन सीटें काट ली हैं और एक सीट के बीच में मैंने इस तरह से छेद कर दिया है और इस सीट को दोस्तों हम लगाएंगे जहां पर एम्पलर लगा हुआ है यहाँ पर हम चिपका देंगे तो इसे मैं जल्दी से चिपका देता हूँ तो दोस्तों जो हमारा संबल सेयर वाटर पंप है वो बन करके कंप्लीट हो गए है अगर दोस्तों हम यहाँ पर इस पाइप की टुकड़ी को लगा देंगे तो ये चलने के लिए रेडी है लेकिन दोस्तों जो, जो हमारा संबल सेयर वाटर पंप होता है जो हम खेतों पर संबल सेयर वाटर पम्प उपयोग करते हैं उस तरीके से नहीं दिख रहा है बाकी दोस्तों ये काम बराबर करेगा दोस्तों जो हमारा संबल सेयर वाटर पंप होता है उसमें ऊपर की साइड में एम्पलर और नीचे की साइड में बायरिंग रहती है और दोस्तों जो हमने ये संबल सेयर वाटर पंप बनाया है इसमें ऊपर की साइड में बायरिंग है यहाँ पर हमने डीसी मोटर लगाई है और नीचे की साइड में इसमें एम्पलर है तो दोस्तों ये संबल सेयर

के माप के हिसाब से यहां दोस्तों मैंने ये पत्ती काट ली है अब इसके बाद में हम इसे इसके ऊपर लपेट करके इसके माप के हिसाब से इसे काट लेंगे तो दोस्तों इसे मैंने काट लिया है अब इसके बाद में हम इसके दोनों छोरों को सोल्डिंग के द्वारा जोड़ देंगे तो यहाँ पर इसके दोनों छोरों पर मैं सैन पेपर से रब कर रहा हूँ जिससे कि इस पर अच्छे से सोल्डिंग हो जाए और इस पर मैं थोड़ा सा सोल्डिंग पेस्ट लगा देता हूँ और इसके बाद में इसे कुछ इस तरीके से पकड़ करके सोल्डिंग कर देंगे तो दोस्तों मैंने इसे सोल्डिंग के द्वारा जोड़ दिया है अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने आउटपुट के लिए छेद रखा था इसी के माप के हिसाब से इस पत्ते में हम कहीं पर भी एक कट लगा लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से इसे काट लिया है और इसे हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे

और इसके बाद में दोस्तों हम आयरन की मदद से इस पर हल्का हल्का सा स्क्रैच यानी कि हल्का हल्का सा इस पर निशान बना देंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आयरन से कुछ इस तरीके से इस पर निशान बना दिए हैं जिससे कि दिखने में बिल्कुल एम्पलर की तरह ही दिख रहा है अब इसके बाद में दोस्तों ऊपर की साइड में हम इस सीट को चिपका देंगे इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक हाफ इंची पाइप का टुकड़ा लिया है जिसमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया है जिसे हम यहाँ पर बीचों बीच चिपका देंगे और इसके बाद में हम इसके ऊपर से एक सीट यहाँ पर चिपकाएंगे अब इसके बाद में दोस्तों मैंने हाफ इंची पाइप का टुकड़ा लिया है और इसे हम यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर चिपका देंगे इसकी लंबाई मैंने लगभग एक इंच रखी है ठीक है अब इसके बाद में दोस्तों मैंने कुछ इस तरह की चार पत्तियां ली हैं और इसी के साथ में दोस्तों मैंने चार छोटे वाले नट बोल्ट लिए हैं जो हम स्वच्छ और फाइव पेन में उपयोग करते हैं वो वाले नट बोल्ट हैं ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों जो ये नट है इसे हम पत्ती के ऊपर की साइड में सोल्ड करेंगे तो इस तरह से दोस्तों मैंने चारों पत्तियों के साथ में ऊपर की साइड में सोल्ड कर दिए हैं और नीचे की साइड में पत्तियों को थोड़ा थोड़ा सा मोड़ दिया है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ऊपर चार छेद कर दिए हैं तो यहाँ पर हम नीचे की साइड में कुछ इस तरीके से इसे फंसा करके ऊपर से इसमें बोल्ट कस देंगे तो मैं जल्दी से सभी पत्तियों को लगा लेता हूँ अब इसके बाद में दोस्तों मैंने हाफ इंची एक एल्बो लिया है और इसमें से यहाँ पर जो मार्क लगा है ये वाला हिस्सा मैं काट लेता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैंने छोटा सा टुकड़ा काट लिया है और इसके चारों तरफ मैंने छोटे छोटे से छेद कर दिए हैं और इसे हम यहाँ पर नीचे की साइड में चिपका देंगे ठीक है अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर जो हमने मार्कर पेन का टुकड़ा कट किया था इसे हम यहाँ पर फेवीटाइट से अच्छे से चिपका देंगे और इसके ऊपर मैं पेंट भी कर देता हूँ जिससे कि ये दिखने में अच्छा लगे तो फाइनली दोस्तों जो हमारा संबल सियार वाटर पंप है वो बन करके कंप्लीट हो गया है इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर का पेंट कर दिया है और पीछे की साइड में यहाँ पर मैंने जो मार्कर पेन का टुकड़ा था उसे चिपका दिया है अच्छे से फेवीटाइट से चिपका दिया है ठीक है और यहाँ पर ऊपर की साइड में जो हमने बायरों के लिए छेद रखा था यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फेवीटाइट लगा दिया है जिससे कि इसके, इसके अंदर पानी ना पहुँच पाए और यहाँ से जो बायर हैं वो पत्ती के नीचे से मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं ठीक है तो दोस्तों ये संबल सियार वाटर पंप बन चुका है अब दोस्तों हम कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग तो दोस्तों मैंने इस स्टप में पानी ले लिया है और इस पंप को चलाने के लिए यहां पर मैंने तीन ली थी आयरन बैटरी को सीरीज में जोड़ करके इस तरह की ये बारह वोल्ट की बैटरी बना ली है और मोटर के साथ में मैंने यहाँ पर ये छोटा सा लेवल पाइप जोड़ दिया है तो करते हैं हम इसकी टेस्टिंग लेकिन इसे चलाने से पहले हमें एक बात का ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्टप में मैंने एक इस तरह की लकड़ी लगाई इसे मैंने इसलिए लगाया है कि जब हम इस मोटर को चलाएंगे इसका उपयोग करेंगे तो इसे हमें इस तरह से सीधा रखना है इसे हमें तिरछा या टेढ़ा इस तरीके से लटा करके नहीं चलाना है अगर दोस्तों हम इस तरह से मोटर को आड़ी करके चलाएंगे तो जो मोटर मोटर का ये बस जहाँ पर दोस्तों ये बस लगा रहता है यहाँ से मोटर जो डीसी मोटर है उसके अंदर पानी चला जाएगा जिससे कि आपका ये वाटर पंप खराब हो जाएगा ठीक है तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है बाकी दोस्तों इसके ऊपर से हम कितना भी पानी डालेंगे जो हमारी डी मोटर है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा ठीक है तो जब भी आप चलाएँ तो इसे सीधा ही करके चलाएँ और इसके अलावा दोस्तों जिस टप में या जिस बर्तन में आप इसे चला रहे हैं तो उसमें जहाँ पर दोस्तों हमने मोटर के साथ में पेन का टुकड़ा जोड़ रखा है वहीं तक हमें पानी भर करके रखना है इससे ज़्यादा नहीं तो सीधी सी बात है दोस्तों जो डी मोटर है वहाँ तक पानी नहीं पहुँचना चाहिए तो दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रख करके इस वाटर पंप का उपयोग कर रहे हैं तो ये लंबे टाइम तक चलेगा जल्दी ख़राब नहीं होगा ठीक है तो दोस्तों आप इसका प्रेशर देख सकते हैं मैंने पाइप को थोड़ा सा दबा रखा है और जो इसका पानी है वो लगभग आठ फीट दूर गिर रहा है दोस्तों मैंने स्टप में दो लीटर पानी लिया था और इस वाटर पंप ने लगभग तीस सेकंड में इसे खाली कर दिया है दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में थोड़ी सी इंट्रो दिखाई थी उसमें मैंने ऊपर साइड से आउटपुट जो पानी का आउटपुट है ऊपर साइड से दिखाया था तो मैंने कुछ इस तरीके से जुगाड़ बनाया है आप देख सकते हैं पीछे की साइड में मैंने एक पेन इस तरह से बेंड करके जो ऊपर हमने हाफ इंची पाइप लगाया है वहाँ पर छेद करके ऊपर की साइड में निकाल दिया है तो मैं इस तरीके से भी आपको चला करके दिखा देता हूँ दोस्तों जब हम संबल सियर वाटर पंप से ऊपर साइड से, से आउटपुट पानी लेते हैं तो ये बिल्कुल हंड्रेड परसेंट जो हम किसान भाई खेत पर संबल सियर वाटर पंप उपयोग करते हैं उसी के तरह ही देखता है जब हम इसे सामने से देखते हैं तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, बात एक ही है अगर आप चाहो तो ऊपर से इस तरह से जो पानी का आउटपुट है ऊपर से ले सकते हैं नहीं तो दोस्तों आप नीचे की साइड में लेवल पाइप लगा करके भी नीचे से ले सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आपको ये संबल सेयर वाटर पंप कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो चलता हूँ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में वीडियो के साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद